I'm going for a run. वापसी पे ब्रेड ले आना. सिर्फ ब्रेड ही क्यों? अंडे, दूध, पेपर सब ले आती हूँ, है ना? अरे एक मिनट सुनो तो. अमाया, अमाया. ओफो, this girl just never listens. ये याद है? I'm good, yeah. Mr. Sinha, but the models are better. ये तो भाई मानना पड़ेगा. Spectacular. क्या spectacular? एकदम बिजुका लग रही हूँ. बिजुका? वो क्या होता है भाई? अरे वो खेतों में नहीं खड़े रहते हैं, scarecrows. ये तो I like खेतों में जो खड़े रहते हैं, बिजुका. Scarecrow से याद आया. I need to lose some weight. वाह, क्या खूब टॉपिक चेंज किया है. Hey, Mrs. K. What's up? Young man, surely you mean what is up? And it's not Mrs. K, it's Leela aunty. Yeah, yeah. We love you too, Mrs. K. चलो मैं इन बंदरों के साथ हैंग आउट करता हूँ. मैं आज उससे बात करूंगी. इत्मीनान से, कोई ऐसी जल्दी नहीं है. What's up? What is up, Uncle Jay? यार एक बात बताओ आप लोग, आप ये गर्दन को यूं 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 करके क्यों बात करते हो? We're in the groove, Uncle. Oh, groove. धुन कोई ऐसी बजाऊं, दिल की बात उसको सुनाऊं. उलझा रहता हूँ जिसके बालों में, देखता हूँ जिसको कॉफी के प्यालों में. कौन है वो हमको बताओ, कुछ तो फैक्ट्स टेबल पे लाओ. It's a very simple formula, बस तू दिल से दिल मिला. Mrs. K, there's some magic in your coffee today. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. जान लो ये दिल दीवाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है. कॉफी का तो बस एक बहाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है. खोना ना बलिए दीवाने, भर दो रंग इनमें सुहाने. It's a very simple formula, बस जीने का ले मजा. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. Life ka har rang anjana hai, coffee ka to bas ek bahana hai. Coffee ka to bas ek bahana hai, coffee ka to bas ek bahana hai. Choti si hai zindagi, jee le ise zara. क्या पता कब कहां ले जाए कारवां. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. जान लो ये दिल दीवाना है,
कॉफी का तो बस एक बहाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है। स्वाइन, अच्छा गलती मेरी है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप किस टाइप के आदमी हैं। डोंट बॉदर, आई क्विट। हाय माया, दिन कैसा था? मत पूछो। ठीक है। नहीं माँ, पूछो पूछो। हाय माया, दिन कैसा था? मेरा सच बास्टर्ड, उनके दिमाग में एक ही चीज घूमती है, सेक्स। या आई slapped my boss today. Well, now my ex-boss. अच्छा है, फिर से नौकरी search.com पे register करते हैं। No problem. So tell me, what did he do? Well, actually he didn't do anything, but he told me to sleep with him. तुमने overreact तो नहीं किया ना? तो फिर किस बात का stress है? तुमने अच्छा किया जो किया। माँ, आपने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा? मतलब मुझे छोड़ के? नहीं। क्यों, कभी मन में नहीं किया? किया, तुम्हारे अप्पा पे। क्या बात कर रहे हो, आप दोनों झगड़ा भी करते थे? डोंट रिमेम्बर दैट। एक्चुअली ही वाज टू नाइस फॉर दैट। तभी तो मन करता था। अच्छा, इसलिए आपने अपना सारा एंग्स्ट मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दिया है ना? मैं कुछ ज्यादा इंपल्सिव हूं ना माँ। यू रिमेम्बर अप्पा क्या कहा करते थे? लिव बाय व्हाट यू बिलीव इन इवन इफ इट किल्स यू। द बिजी बाजार। कौन बेवकूफ कहता है के वक्त किसी के लिए नहीं रुकता? देखिए इस घड़ी को ही देख लीजिए, रुक रुक के चलती है। यहाँ हर घड़ी बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह है। अच्छा। जब जी में आया चल पड़े, किसी चीज पे दिल आ गया तो रुक गए। कमाल करते हैं आप रिजवान भाई, आपने तो जैसे इन घड़ियों में जान ही डाल दी। जनाब आपको क्या लगा ये घड़ियां बेजान हैं? अरे यही तो हमें बताती हैं कि कब हम इस जहां में आए और कब यहां से रुखसत हो गए। लीजिए चाय लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। बढ़िया है। एक बात बताइए, इतनी सारी घड़ियां आप, इन सब में आपको कैसे मालूम होता है कि सही वक्त क्या है? अरे मियां, क्या सही और क्या गलत, एक लम्हा, कहीं जश्न कहीं जनाजा। अच्छा आप एक बात बताइए, आप इतनी सारी तस्वीरें क्यों खींचते हैं?
अब मैं भी आपकी तरह वक्त के साथ समझिए खिलवाड़ कर रहा हूँ। हर दिलचस्प लम्हे को तस्वीरों में कैद कर लेता हूँ। और वो क्यों? वो इसलिए कि फिर वो लम्हा सिर्फ एक लम्हा ना रहकर एक खूबसूरत याद बन जाए। जनाब, यादों को तो यहाँ कैद किया जाता है। लेकिन यहाँ का भी क्या भरोसा है? अच्छा हुजूर, अब चलते हैं। जी ये बताइए, जब दोबारा लौटना होगा तो आपकी दुकान तक पहुंचूंगा कैसे? अरे भाई, ये कोने पर अब्दुल मियां की चाय की दुकान है ना। हाँ हाँ, देखिए बस उसके दाएं हाथ पर हम हैं। ये भी ठीक है। अरे भाई, जब तस्वीरें छप जाएं तो एक बार हमें भी दिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वादा रहा। अच्छा ये तो बताओ, ये थप्पड़ तुमने मारा कितनी जोर से? दिखाऊं? अमाया। ओ माम, मजाक कर रही हूँ। मतलब अब हमारी झांसी की रानी बेरोजगार हो गई है। बेरोजगार नहीं जायज, I'm just taking time off. There's a difference. भाई अब मेरे ख्याल में तो आपका टाइम ऑफ जो है, इसका मतलब ही ये है कि आप संपूर्ण रूप से बेरोजगार हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल सठिया गए हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों मेरे सर पे नाचने की बजाय कुछ और क्यों नहीं कर लेते? भाई मिस चमको की इस बात में कुछ दम तो है। अरे जरा सबर तो करो यार, कुछ क्रिएटिव सोचने में दो चार मिनट लगते कि नहीं? You know, Jazz, when I was working, मैं हमेशा सोचती थी कि जब टाइम मिलेगा तो ये करूंगी वो करूंगी। भाई आपके ये और वो पे कुछ अधिक प्रकाश डालेंगे। I want to learn pottery. Okay. I want to run a marathon. And शायद कभी मैं अपनी किताब लिखना चाहती हूँ। पहले दो तो शायद हो भी जाए, तीसरे का तो ख्याल भी छोड़ दो। मैं तब से किताब लिखने की सोच रहा हूँ जब मैं लिखना भी नहीं जानता था। तू लिखी क्यों नहीं होता? लिखना तो मैं अब भी नहीं जानता। चलो डील, लिखती मैं हूँ, आप तस्वीरें खींचिए, फिर भी रियली कूल कॉफी टेबल बुक नहीं? इट्स नॉट अ वेरी बैड आइडिया। बस अब इसी बात की कसर रह गई थी। कॉफी मेरी, टेबल मेरी और किताब आप दोनों की, यहाँ बुक शेल्फ पे पड़ी रह जाएगी। हाँ मी मम्मा, व्हाट स्पॉट? एनकरेजमेंट का भंडार है। हाय हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। तू यार हमेशा लेट कैसे हो जाती है बे? अबे पांडू, पिक्चर में अभी भी ना 10 मिनट बाकी। ओके रहने दे। ओके गाइस, गेस व्हाट अनाउंसमेंट, मैं जैज के साथ एक किताब लिख रही हूँ। Awesome. Good job, huh? Good job. ये जैज कौन है? जयंत, यू मेट हिम एट द कैफे द अदर डे। ओह वो जैज। हाँ वो जैज। He likes आंटी ना? Oh man. पहली बार आए हो? दिस इज ऑन द हाउस। थैंक यू, इंडियन हॉस्पिटैलिटी का तो जवाब ही नहीं। दिस इज नॉट हॉस्पिटैलिटी, दिस इज गुड बिजनेस सेंस। अब देखना दोबारा जरूर आओगे। sure. मैं तो यहाँ कैंप करने वाली हूँ। oh, good. आपके यहाँ कोई वेटर वगैरह की वैकेंसी तो नहीं है? मेरी बीवी थोड़ी ओवर क्वालिफाइड जरूर है पर डोंट माइंड माय हस्बैंड, अब ही इज एन एस। ओप्स, I never judge a book by its cover. Thank you. But really, you're living my dream. In fact, हम आपके कैफे का नाम पढ़कर ही अंदर चले आए। You know, कैफे मेरा है लेकिन नाम मेरी बेटी ने दिया है। Very interesting. And you really travel the world. सच बताऊँ, not really. ये सब तस्वीरें उन लोगों की हैं जो अजनबी यहाँ आए लेकिन दोस्त बन के यहाँ से गए। हाँ सी, दिस इज सिंडी, पेरू की है। हिंदी तो छोड़ो, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल पाती है। बट यू नो, इसने इतना कुछ बता दिया कि लगता ही नहीं कि पेरू कोई अनजान देश है। इट्स अमेजिंग। भाई वाह, फिर तो यहीं कैफे में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया की सैर हो जाती होगी आपकी। एक्चुअली दैट इज ट्रू,
इस छोटे से कैफे में कुछ बात तो है। और ये आपकी बेटी है? हाँ, हाउ डू यू नो? शी हैज योर आईज। वो क्या करती है? बहुत कुछ करती है। शी इज अ फुल टाइम राइटर, पार्ट टाइम कैफे मैनेजर, बट एट हार्ट अमाया इज अ फ्री स्पिरिट। पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। मन की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। किताब पढ़ने का बाद में करेंगे, पहले लिखने का इंतजाम कर ले। यस। छछुंदर, उसके सर में चमेली का तेल है, उठो। ये लेनी पड़ेगी। उठो जैस, हमारी बुक के लिए टाइटल है फफूंद। मुझसे भी पहले का मालूम होता है ये तो। ये चलेगी? इसको थैले में रख के घर चले जाए तो चलेगी। खुला आसमां है नहीं मोड़ कोई, यहाँ पर हवा का नहीं छोर कोई। मैं उड़ती रहूं पंछियों की तरह से, उन्हें जान लूं आज उनकी जुबान से। खिली धूप की बस्तियों से निकल कर हवा में जैसे बूंदे घटा बन के भागे। हाँ, मन की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। हाय लीला। हाय डैड। हम लोग जा रहे हैं परांठे वाली गली। क्या पराठे खाने? मुर्गियाँ खरीदने और अंडे बेचने। क्या आप पूछे, मैं आपको खुद ही बता दूं, आपकी बेटी बहुत मजे में है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत आया करते थे। दिस वाज अप्पा'स फेवरेट संडे आउटिंग। इनफैक्ट मैंने लिखना भी यही शुरू किया। बिजी बाजार मेरी पहली कहानी, जब मैं 9 साल की थी। Really? अप्पा ने पढ़ी तो कहा एंड बदल दो, आई डिडंट चेंज इट, आई बिलीव्ड इन माय स्टोरी। यू नो दैट डे अप्पा बिकेम माय बिगेस्ट फैन। वो कहते थे जब तुम्हारी पहली किताब छपेगी हम शैंपेन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आई गेस ही जस्ट रैन आउट ऑफ टाइम। अच्छा चलो, तुम्हें एक बहुत दिलचस्प आदमी से मिलाता हूँ, आओ। पुरानी घड़ियां रिपेयर करते हैं यहीं आसपास उनकी दुकान। आओ। दिल में बसा लूं महकते से पल ये, कहीं ढल ना जाए बहकते से पल ये। इन्हें बंद कर लूं बना के निशानी, थकी रात की खिड़कियां खटखटा कर धीमी ओस से हर सुबह जैसे जागे। हाँ, मन के पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। अदिति चलो फिर कभी आएंगे। यादों को तो यहां कैद किया जाता है, कहीं जश्न कहीं जनाजा।
पर अब पूर्णिया की चाय की दुकान है ना। कल क्या क्या किया? अपना डिक्टाफोन और जैज के चारों मेमोरी कार्ड्स भर दिए। नो माँ, जैज इज एक्चुअली प्रीटी कूल, सबके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। और पता है, चांदनी चौक जैसी जगह में उन्हें हर गली की हर दुकान की पहचान है, सिर्फ एक नहीं ढूंढ पाए। शैतान का नाम। हेलो, क्या कहते हैं आज के दिन? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मेरी तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है। हाँ, उनसे कहना मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। जब तुम यहाँ आओगे तो खुद कह देना। ओके, बाय। हाँ, आदित्य कितने साल की थी? 8 या 9। क्यों? कल जैज ने अचानक मुझे अदिति कह के पुकारा। आंटी चाकू दो प्लीज, अभी के अभी चाकू। अरे क्या क्या करना है? खुदकुशी। ओ, एक सेकंड, इसे इस्तेमाल करो, दिस विल वर्क मच बेटर। आंटी आपको ये मजाक सूझ रहा है क्या? हम इन लुक एट मी, मैं गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, टॉल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, आईक्यू ओवर 220, सिक्स पैक एब्स भी है, दिखाऊं? और सबसे बड़ी बात आंटी, मैं इतना मॉडेस्ट हूँ और आपकी बेटी से इतना प्यार करता हूँ, और वो है जो मुझे घास भी नहीं डालती। ऑल आई गेट इज अ आंटी, नहीं प्लीज कुछ कीजिए। फिर आ गया। आयो माया। गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। मां मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इस बंदर से बात मत किया करो। चलो, चलो, आंटी आई रियली लव माया। राघव, आई रियली लव अमाया टू। जयंत अंकल, ब्लेस मी प्लीज। बाय लागू। व्हाटएवर भाई। अच्छा लड़का है, एंड यू नो ही इज क्रेजी अबाउट अमाया। वो तो इस जगह का इतिहास ही है भाई, जो भी आता है या बेटी पे फिदा होता है या माँ पे मर मिटता है। ये लड़के का नाम क्या है? राघव। दैट्स राइट, राघव, करेक्ट। चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया तस्वीर दिखाता हूँ। एक्चुअली यू नो जयंत, आई एम सो ग्लैड अमाया इज रियली फॉन्ड ऑफ यू। ऑन बी इजी दो। जानती हूँ, और अमाया को भी, शी विल हैंडल इट।
मैं प्रिया की शादी में साड़ी पहन लूँ? प्रिया फाइनली लेकिन निशांत उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता। हाँ क्योंकि प्रिया उससे सिर्फ 20 साल छोटी है। What do you expect? लेकिन वो साथ में कितने अच्छे लगते नहीं? I need to give you something brighter. Why? अरे शादी है। Black black. More books for book of coffee. Hi, I'm Devika. Hi. Abhay. Hi, I'm Amaya. हाँ पता है. The free spirit. अच्छा तो आप मेरी माँ से मिल चुके हैं. So tell me, कैसे आना हुआ 10 साल के बाद अमेरिका से वापस? देविका यहाँ क्लिनिक खोलना चाहती थी। वैसे भी अपना घर तो अपना ही होता है, बस रहने की आदत फिर से डालनी पड़ेगी। क्यों, हिंदुस्तान पसंद नहीं आ रहा? नहीं वो बात नहीं है, बस यहाँ रिलोकेट करने से पहले हमारे दोस्तों ने वार्न किया था, यू नो, यहाँ के सो कॉल्ड सिस्टम के बारे में। द फेमस इंडियन सिस्टम। भाई आई मेड माई पीस विद इट। अगर चाय पानी पिलाने से काम आसान हो जाता है तो डू इट, सभी करते हैं। सो बेसिकली यू हैव टेकन द इजी वे आउट। ओह कम ऑन अमाया, ही हैज गॉट अ पॉइंट। व्हाट पॉइंट मां, यहां सभी यही सोचते हैं, यही पॉइंट बनाते हैं, इट्स वेरी कन्वीनिएंट, बट इसलिए कुछ नहीं बदलता है। अमाया इट्स नॉट लाइक आई एम सपोर्टिंग करप्शन। वेल योर लॉजिक इज एग्जैक्टली लाइक यू आर सपोर्टिंग करप्शन। हे किसके चक्कर में पड़ गए? यू नो अमाया एंड माय हस्बैंड दे आर, यहां तो पूरी महफिल सज चुकी है और हमको पता भी नहीं चला। हां अब है, माय वाइफ दे कर। Happy birthday to you. We have a cake here for you. Raghav, तुमको भी पता था? Happy birthday, Auntie Leela. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. अच्छा जैसे ही आप सीधे हो जाएं मुझे आपसे जरा बात करनी है। आप सिर्फ पार्टी में शामिल होंगी या किताब लिखने के बारे में भी कुछ सोच रही हैं? नहीं यू नो एक्चुअली मैं बीमार हूँ, मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया है। एक्चुअली जो इतने झटके लेता है ना उसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इधर आओ। उस दिन तूने मुझसे कुछ बात की थी ना, मुझे उससे बहुत जबरदस्त आइडिया है। क्या? देखो किसी को भी अच्छी तरह से पूरी तरह से पहचानने के लिए उनकी यादों में झांकना बहुत जरूरी है। सो व्हाई डोंट यू राइट अ बुक अबाउट मेमोरीज, समथिंग लाइक यू नो वील राइट इट, मेमोरीज ऑफ द बिजी बाजार। आपके हस्बैंड भी राइटर है? Thank you.
हेलो, ओह सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। अरे कैफे बंद क्या हुआ? क्योंकि आज हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। बिरयानी खाने? वो तो मैं घर पे बना सकती हूँ। तुम बिरयानी बनाओगी तब तो हम पक्का ही जा रहे हैं। Come on, ma. I'm not that bad. Quite bad. Quite bad. Nonsense. अप्पा हमेशा अपने हाथ से मसाले डालते थे, नहीं? तुमको याद है? और वो आपसे अच्छी बिरयानी बनाते थे, ये भी याद है। रविश। अप्पा was such a great guy. I think they just don't make men like him anymore. है ना? अब आप सेंटी मत हो जाना। मैं सेंटी हो रही हूँ? Okay, let's see. Julia! कुछ बात भी करनी है। यस कर। उठा लो। आप खुद ही ले लो। हेलो हेलो, कहाँ हो? अरे घर पर ही हूँ। अरे इतने गुस्से में क्यों? अरे नहीं भाई, मेरा मोबाइल खो गया। कहाँ? आई मीन तुम लोग क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं, स्पेशल अमाया बिरयानी। अमाया से पूछो कि भाई सिर्फ बिरयानी पकाती रहेगी या लिखने का भी कुछ करेगी? हाँ, लिख भी रही है। ओ एक सेकेंड जयंत, आई जस्ट कॉल यू बैक। हाँ वन सेकेंड। देखो ना, यू लुक लवली। आप कहीं बाहर जा रहे हो? जयंत और मैं डिनर के लिए जा रहे हैं। कम हम लोग तुम्हें छोड़ते हुए चले जाएंगे? नो नीड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। ओके, हैव फन। प्रिया और निशांत को मेरी तरफ से विश कर देना। ओके बाय। बाय। थैंक यू। मैंने ना जिंदगी में एक काम नहीं किया, ट्रैवल। उस दिन एक ऑस्ट्रेलियन मिली, she would be older than you also. You know, she had bought a one-way ticket around the world. Aur koi plan nahi, kuch nahi. Bas jahan jab dil kara chal pade aur jahan kuch acha lag gaya wahan theher gaye. Mast maula musafir. I envied her. I so envied her. We'll travel the world together, Leela. The whole world. You and me. मेरी माधवी और अदिति को भी ट्रैवल का बहुत शौक था। अदिति की छुट्टियां शुरू हो गई तो एक दिन बहुत सवेरे हम लोग रानीखेत के लिए चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा आता था जहाँ की चाय माधवी को बहुत पसंद थी। तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके। मैं
मेरी आदिति पीछे की सीट पे सो गई थी तो मैंने दरवाजा खोला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। माधवी ने कहा एक प्याली चाय पीकर चलते हैं। अदिति को भूख लगी तो मैंने कहा कि सैंडविचेस गाड़ी में रखे हैं वहां से ले आओ। अब मैं कैमरे का रोल बदल रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी तो मैंने उनसे कहा तुम लोग गाड़ी में रुको मैं पैसे देकर आता हूं। पैसे देकर मुड़ा तो देखा कि ट्रक बहुत तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं या मैं कुछ करूं इट क्रैश स्ट्रेट इनटू आवर कार। मेरी आदिति और मेरी माधवी दोनों वहीं खत्म हो गए। मेरी बच्ची सिर्फ 9 साल की थी लीला। She was so small. सालों तक अपने आप को कोसता रहा कि मैं क्यों नहीं था उनके साथ उस गाड़ी में। I'm sorry. Listen, Amaya. I'm listening, Ma. I'm listening, Ma. I'm listening, Ma. मुझे बैंगलोर जाना है। I want to meet Atte. Amaya, can we talk? मुझे कल जाना है। ठीक है, बात करती हूँ। सुजाता, लीला, what a lovely surprise! कल ही अम्मा तुम दोनों के बारे में पूछ रही थी। कैसे हो तुम लोग? अमाया बैंगलोर आना चाह रही है। Oh, great! कोई इंटरव्यू है क्या? नहीं, अमाया तुमसे मिलना चाह रही है। अच्छा? Everything okay? I don't know. मैं कल शाम की टिकट बुक कर रही हूँ। Well, please tell Amaya I'm really looking forward to seeing her. I will. Take care. Bye. अत्ते तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आ जाएंगी। मुझे नहीं जाना। अभी तो तुमने कहा कि चेंज माय माइंड मां। Your father was my best friend. जिस दिन मैंने उन्हें खोया ऐसा लगा कि उनके साथ खुद को भी खो दिया। मगर तुम्हें देखा और एहसास हुआ कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। You became my strength, Amaya. I really missed your father. ये 12 साल बहुत मुश्किल थे और मुझे सही और गलत बताने वाला कोई नहीं था। तुम्हें अकेले पालना अपने आप में ही एक चैलेंज था। But I've enjoyed every moment of it. I'm proud of who you've grown up to be. Appa would have been too. Intelligent, confident, ambitious young woman. तुम्हारे लिए
एक एक्साइटिंग दुनिया इंतजार कर रही है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ साल पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूं। आई स्टार्टेड बुक अ कॉफी। कुछ पुराने दोस्तों से मिली और कुछ नए दोस्त बन गए। जयंत एंड आई जस्ट क्लिक्ड। ये नहीं मालूम था कि हमारे रास्ते एक हैं कि नहीं। डर लगता था। इनफैक्ट सबसे बड़ा डर तो ये था कि तुम जयंत को पसंद करोगी या नहीं। वो डर भी खत्म हो गया। एंड अमाया, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस। जयंत मेड मी फील लाइक अ वुमन अगेन। हम जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। अमाया, गुड मॉर्निंग। यस सर। आई डोंट लाइक द टाइटल। पर क्यों भाई, अच्छा खासा तो है। यादें बहुत पर्सनल होती हैं। और हमें कोई हक नहीं बनता कि दूसरों की यादों को कुरेदें। शायद हमें ये किताब शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। वैसे बहुत देर तो अब भी नहीं हुई है, पर मेरा ख्याल है कि अगर कोई काम शुरू कर ही दिया है तो उसे खत्म कर देना अच्छी बात है। अंकल जी, ये वाला जोक सुनिए। संता ने बंता के ईयर में कुछ विस्पर किया, बंता मर गया। व्हाट इज इट दैट संता विस्पर इनटू बंतास ईयर? से से दिख क्या हो? अरे इतना बुरा भी तो नहीं था ना। ये लाठी मुझे दे दीजिए। बैठ जाओ जाके। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी टिप्स कमा लेता हूँ। कम कम बैठो। खेत कब जा रहे हो? दो एक दिन में। बाय। एक बात बताओ, अब कैसा लगता है वहां जाके? अब उतनी तकलीफ नहीं होती है। उसी ढाबे पे जाता हूँ, चाय पीता हूँ, उसी ढाबे वाले से बातें करता हूँ, गाड़ियां उसी तरह आती जाती हैं, अब उतनी तकलीफ नहीं होती है। कल जब मैंने अमाया से बात की तो उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा उसने। कहेगी वो, थोड़ा वक्त तो उसे। वाओ, पर ये बिजी बाजार क्या है?
एक छोटी सी लड़की जो बाजार में खो जाती है एंड गोज लुकिंग फॉर हर फादर। अमाया की पहली कहानी और अब शायद पहली किताब। अबे, हाय। What a lovely surprise. This is for you. Oh, thank you. Thanks. Come. आ जाओ। Thanks. Hello. Hi. गुस्सा ठंडा? I'm so sorry about that. I'm an idiot. It's okay. So tell me, how is Devika? Where is she? She's just gone to look at a few places to rent clinic के लिए बता था आपको। It's a family day in. Yeah. Just. जयंत घर पर नहीं है? जयंत घर पे ही होंगे। Of course. मौसम काफी erratic सा हो गया है ना? It's nice, I like it. हर साल इसी वक्त बारिश होती है। Actually, कभी भी हो जाती है। But never knows. He asked me actually, जयंत ने ही कहा शाम को घर पे आ जाना। अरे भाई, तो क्या वाइन भी आप लीला के घर छोड़ा है? कमाल करते हैं आप। थैंक्स। बता नहीं सकते थे? अरे भाई चलो, मैं तो भुलक्कड़ हूँ, एड्रेस एसएमएस करना भूल गया। पर उस दूर आपने भी तो अपनी मर्जी से ही सब कुछ तय कर लिया। ऑल ब्लैक एंड व्हाइट? जिंदगी के दो बेसिक शेड्स हैं भाई, ब्लैक और व्हाइट। Actually quite ordinary. आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप में और हम में यही तो फर्क। अरे वाह, एंग्री यंग वुमन। कौन जाने भाई, हो सकता है जस्ट अ मिसअंडरस्टूड यंग वुमन। और फिर गुस्सा भी तो जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट इमोशन है, कभी कभी होना भी चाहिए। ऐसी क्या बात है? क्या बात है? Shall we sit? Sure. Please. अमाया, तैयार नहीं हुई अभी तक? किस लिए? नहीं चाहिए, इसका सैंपल रेडी है, वी हैव टू अप्रूव इट। तो मेरे आने की क्या जरूरत है? आप खुद ही जाकर देख लो। खुद ही जाकर देख लो? मैं अकेली नहीं डिसाइड कर रही हूं। आई नीड योर ओपिनियन। माय ओपिनियन? रियली? बाकी नहीं। Thank you.
हेल्प चाहिए? नो थैंक्स। ओके। मेरे ख्याल से मैं हेल्प कर ही देता हूँ। For the cups, at least. क्या सर? लीला कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है। क्यों? क्या हुआ? अरे अमाया, ये दवाई ना मम्मी को सोने से पहले देना। क्या हुआ उन्हें? Nothing serious, just a little bit stressed, I think. चलो bye. Thank you. मैं ले आता हूँ। रुक राधव, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जानता हूँ। अमाया, मैं ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। I actually happen to be fond of Leela aunty. This is for her. So, if you don't mind, clean up. Thanks. मैंने तुम्हारा ड्राफ्ट पढ़ा। It's touching. Nice. Amaya, talk to me. Mama. Please talk to me. So what do you have? I have one of these. Okay, that one, and in what do you have? I'll have a regular Mexican. Okay, that's what you have every time. Aap kyun uthaye? Aren't you supposed to go rest? It's okay. Tumhari aaj publisher ke saath meeting hai na? Mil ke aao. Aur use thappad appad mat maar dena. और अमाया, देविका ने आज हमें डिनर पे बुलाया है। हमें मतलब? यू एंड मी अमाया। अच्छा, मैंने उसे कहा कि Raghav, why do you always insist on helping me? I'm sorry. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है दिल ही दिल में जली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है दिल ही दिल में जली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है धुंधलाती हुई बल खाती हुई सावन की सुनी रात में
मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। हाय। ओ हाय। ओ कब वापस आए? अभी आ ही रहा हूँ। तुम कैसी हो? सेट। बैठो, मैं आती हूँ अभी। मिस कृष्णमूर्ति, कंग्रेचुलेशंस on your first publication. मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि Memories of the Busy Bazaar एक first time writer का काम है. Brilliant. Actually, I was so looking forward to meeting with Mr. Sinha as well. His photography is outstanding. I think he's not in town, sir. So there's just one more thing. मुझे इस किताब का टाइटल चेंज करना है। बिल्कुल नहीं। The title will sell first. People will love the book after that. Okay. Thank you, Mr. Khanna. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. थिंकिंग लीला, देखो मैं ये रेगुलरली रानी खेत क्यों जाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी पुरानी यादों को इतना संभाल संभाल के रखा हुआ है। अमाया भी वही कर रही है। अब तो उससे बात करने में भी डर लगता है, पता नहीं किस वक्त क्या कह देगी। नेचुरली लीला, अब तक आपके कमरे में आने के लिए किसी भी वक्त उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, बेखटके आती जाती थी। अब खटखटाना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी। वैसे छोटी बात है, बट इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर हर। तो किताब कैसी चल रही है? गुड। थैंक्स। थैंक यू। एक्चुअली पब्लिश होने वाली है। हे, कांग्रेचुलेशंस। I wanted Ma to be the first person to know. But, y'all are. So, cheers, I guess. Cheers. She is coming, right? Yeah, of course. Actually, let me check.
रास्ते में होंगे. सो नाइस हाउस. थैंक यू. दरअसल हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन बना लेते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो तकलीफ होती है. लेकिन तुम्हारे साथ तो वो बहुत कंफर्टेबल है. कंफर्टेबल है पर सिर्फ एक दोस्त की तरह. शी इज मिसिंग हर फादर लीला और अब उसे ये डर सताने लगा है कि मैं उनकी जगह ले लूँगा. तो तुम क्यों नहीं उससे बात करते हो एक दोस्त की तरह? मेरे ख्याल से ये बात कोई और उसे समझा ही नहीं सकता, ये उसे खुद ही समझनी होगी. She always picks up. Landline bhi nahi lag raha. I hope she's feeling well, yaar. Time mat waste karo. Come, let's go. रेड मेरा कलर है. अमाया, अरे आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट. अनबिलीवेबल. नहीं नहीं, इट्स ओके. विल डू द डिनर सम अदर टाइम. आपने कहा था ना कि आज डिनर इनके घर पे. वो एक्चुअली अमाया, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ. I'm speaking to my mother if you don't mind. Just stay out of this. Amaya, how dare you? It's okay, Leela. मुझे चलना चाहिए. नहीं, तुम यहीं रुको. I think Amaya just overreacted. Devika, Amaya के नजरिए से देखो. वो इस relationship को कैसे accept कर लेती? क्यों? Amaya एक modern लड़की है. She knows her mind. Modern लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि she is totally emotionless. दोनों इश्यूज को कंफ्यूज मत करो. लिसन, नो, यू लिसन. आपने जो कहना था मैंने सुन लिया ना. यू लिसन, यू बिट्रेड माय फादर, यू एम्बैरस्ड मी एंड यू हैव चेंज्ड. सडनली ये क्या आ गया आपकी जिंदगी में? आपकी पूरी जिंदगी बदल गई. आई एम नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट वर यू थिंकिंग एग्जैक्टली? मैं अपने दोस्तों को क्या कहूंगी? ये लो शादी का कार्ड. मेरा नहीं, मेरी माँ का. एंड हाउ विल यू ब्रेक दिस टू अत्ते एंड पार्टी? क्या कहेंगे आप उन्हें? कैसा लगेगा उन्हें? कुछ सोचा है आपने? आई हेट यू माँ. आई हेट हू यू बिकम. आई एम बोल लेने दो लीला. You obviously don't love Appa. I loved your father, my husband. लेकिन मैं सारी जिंदगी पीछे देखते हुए नहीं जीना चाहती. He can never be my father. He will never take Appa's place, never. मगर आपने तो. मैंने तो क्या? क्या? That was Appa's in your bedroom, Ma. इतना तो सोच लिया होता. Amaya, stop. बस. Enough now. He makes me feel like a woman again. Yahi kaha tha na aapne? What is it, ma? Is it just the sex? Agar yahi baat Aditi ne kahi hoti, I would have slept. चलता हूँ लीला. कश्मकश है यही
क्या करूं क्या नहीं, किसकी मानूं यहां, दिल कहीं मन कहीं। रिश्ते हंसाते हैं कभी कभी ये हम के आंसू रुलाते, सपने दिखाते हैं कभी कभी ये नींद से है जगाते, चलते चलते झोंकों पे ठहरा ठहरा आसमां, ऊंची ऊंची लहरों में गहरा गहरा कारवां। सच है क्या झूठ क्या, क्या दगा क्या यकीन, कश्मकश है यही क्या करूं क्या नहीं, किसकी मानूं यहां, दिल कहीं मन कहीं। कश्मकश है यही क्या करूं क्या नहीं, किसकी मानूं यहां, दिल कहीं मन कहीं। कश्मकश है यही, अपना बनाते हैं कभी कभी ये भीड़ में छोड़ जाते, दूरी मिटाते हैं कभी कभी ये दूरियां हैं बढ़ाते, उजले उजले आसमां में काली काली बदलियां, हल्के हल्के आंसुओं की भारी भारी दास्तां। अच्छा क्या हुआ? अरे चीयर अप बाबा, हम सब समझते हैं तुम पे क्या बीत रही है। नहीं रोन तारिक। अच्छा अच्छा चेंज टॉपिक, चेंज टॉपिक। बुक का क्या हुआ? मुझे बुक के बारे में बात नहीं करनी यार। अरे प्लीज क्यों? We thought you were really excited about this. Was excited. Huh? Look, can we please stop talking about this damn book? Amaya, we're on your side, by the way. Yeah. Oh, thank you. What makes you think I need people on my side? Mujhe nahi chahiye yaar. Amaya. Kya karun, kya nahi? Kiski mano yahan? दिल कहीं मन कहीं, कश्मकश है यही, हाँ कश्मकश है यही, हाँ कश्मकश है यही, कश्मकश है सब। मैं अंदर आ जाऊं यही। आपकी लेबर यूनियन स्ट्राइक पे थी क्या? हाँ, हमारी मांगे पूरी करो, हमें दो कैपुचिनोस पर डे दो। राघव क्या कह रहे हो? दो दिन से मैं इस हाथी को लाद के ला रहा हूँ और आपकी इस फैक्ट्री पे ताला लगा पड़ा है। फैक्ट्री हाथी छोड़िए आंटी, लुक व्हाट आई हैव फॉर यू। क्या है, क्या चीज? आहा, ड्रम रोल प्लीज। ता-रा!
I like it. It's lovely. है ना? लेकिन यहाँ देख के लग रहा है कि साइन बोर्ड की नहीं लोगों की जरूरत है. Where is everyone? माँ, माँ, आपको शादी करनी है, साथ रहना है, जो करना है करिए. It's your life. I really don't care. But you please tell Jazz not to call me. I will not take his calls. जयंत, आज के बाद आप प्लीज कभी अमाया को फोन मत करना. यू ओके आंटी? Hey, Amaya. पता है तुम बस प्रिटेंड करती हो कि तुम एक मॉडर्न ओपन माइंडेड लड़की हो, लेकिन सच तो ये है तुम एक हिपोक्रेट हो. राघव. Oh, I will. But why do you have to hurt her so much? Hurt her? Nobody understands what I'm feeling. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे तुम बच्ची हो क्या? Look, I'm not interested in your... done yet. मैं 8 साल का था जब मेरे पेरेंट्स अलग हो गए. मॉम ने दूसरी शादी कर ली, डैड ने नहीं की. क्यों? हमारे लिए. दीदी और मैं तो अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, लेकिन डैड, he just got so very lonely. It was sad to see him like that, Amaya. Humne unhe convince kiya ki unhe wapas shaadi karni chahiye, and he did get married again. Look, Amaya, main samajh sakta hu ki ye tumhare liye embarrassing hoga ki log kya kahenge and all that. Hum bhi the. But we can't be so selfish. Amaya, everything is not about you. और वैसे भी सभी जानते हो फॉन्ड ऑफ जयंत, तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? I'll tell you what the problem is, Raghav. The problem is that to know that your mother is sleeping with another man. You disappoint me, Amaya. रिजवान भाई, आइए बैठिए. आपकी कोई घड़ी? मैं यूं मिलने चला आया था. पिछले हफ्ते अब्बा का इंतकाल हो गया. बहुत ही दिलचस्प इंसान थे आपके अब्बा. उनकी कुछ तस्वीरें थी, वो देने आया था. हाँ, तो अब्बा ने आपका जिक्र किया था? मेरा जिक्र किया था? जी, यहाँ हर कोई सिर्फ अपनी घड़ियां मरम्मत करवाने आता है, बस आप ही एक थे जो यूं ही वक्त बिताने चले आए. शायद इसीलिए आप अब्बा के जहन में कायम रहे. इन्हें देखकर अब्बा को हमेशा मुस्कुराते हुए याद करेंगे.
रिजवान भाई तो कहा करते थे कि यादों को तस्वीरों में नहीं यहां कैद करना चाहिए। खाना लग गया? मुझे भूख नहीं है। क्यों अमाया, प्रॉब्लम क्या है? मुझे कब खाना है, कब सोना है, किससे मिलना है, ये मैं डिसाइड करूंगी माँ। मैं बच्ची नहीं हूँ। आई नीड टू रियलाइज दैट। एक्सेप्टेड, बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। प्लीज माँ, मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। तो अब मैं तुम्हें टाइम पर खाने के लिए भी नहीं बोल सकती? अमाया, लिसन टू मी। ये जो तुम बार बार क्लेम करती हो ना कि आई एम ग्रोन अप, आई एम मैच्योर, ग्रोन अप्स डू नॉट बिहेव लाइक दिस। एंड व्हेन हैव आई ट्रीटेड यू लाइक अ चाइल्ड? तुमने हमेशा वही किया है जो तुम्हें करना होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ दूंगी। जब जब तुम गिरोगी मैं तुम्हें उठाने जरूर आऊंगी, एंड दैट्स नेवर गोइंग टू चेंज। एंड आई थिंक आई डिजर्व अ लिटिल मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। इज इट जस्ट द सेक्स? यही पूछा था ना तुमने? शायद हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। मेरे अंदर का एक हिस्सा जो बाला के साथ चला गया था वो शायद कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये एहसास मुझे तुमसे मिलने के बाद हुआ कि जिंदगी यादों से नहीं होती, यादें जिंदगी का हिस्सा होती हैं। कब से जानते हैं एक दूसरे को? 3-3.5 साल। अजीब बात है कि कैसे इतनी नेचुरली तुम मेरी जिंदगी में फिट हो गए। लगा ही नहीं
कि जिंदगी में कुछ बदला है। मुझे याद भी नहीं कब मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी। किस दिन से बिना मेरे कुछ कहे तुम मुझे समझने लगे। किस पल से बिना मेरा हाथ थामे तुमने मुझे थाम लिया। और जब भी ऐसा हुआ मुझे लगा कि बाकी उम्र भी अगर यूं ही गुजर जाए तो उसमें हर्ज क्या है। सच पूछो तो कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे इस रिश्ते को डिफाइन करने की या जस्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी कोई भी खुशी जिसमें मेरी बेटी खुश नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। काश हम जिंदगी एक साथ गुजार सकते। मैंने जाहिर तो किया ही है पर कभी खुल के बताया नहीं। आई लव यू लीला एंड आई लव अमाया टू। किताब की वजह से शहर के वो हिस्से देखने को मिले जो मैं खुद नहीं जानता था। हाय मिस्टर खन्ना, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। हाय माया, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। आई वाज जस्ट गिविंग मिस्टर सिन्हा द गुड न्यूज कि आप दोनों के किताब के फर्स्ट प्रिंट्स इसी हफ्ते आ जाएंगे। चलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों इस किताब के सीक्वल पे काम शुरू कर दीजिए। खन्ना साहब, बस जिंदगी में ये एक आरजू थी जो अब अमाया के जरिए पूरी हो रही है, लेकिन इसके बाद तो सोचता हूँ कि पहाड़ों में चला जाऊं, अकेले में कुछ दिन बिताऊं सबसे दूर, और यूं भी सारे रिश्ते मंजिल की तरफ तो पहुंचते नहीं, कुछ तो रास्ते में अधूरे रह जाते हैं। सही कहा। खैर, माय ऑफर इज ऑन द टेबल। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। यू टू मेक अ रियली गुड टीम। क्या हाल है बादो? ठीक है सर। ठीक ठाक है? ओह गॉड, अरे भाई आपके काम की चीज तो आपको देना ही भूल गया। देखा हाँ, बढ़िया है ना, हीरो लग रहे हो यार तुम तो। हाँ घर भेजोगे ना, धूम मच जाएगी पूरे शहर में। अच्छा भाई, खुश रहो खुश रहो। हाथ पे क्या हुआ?
आपने मुझे बताया क्यों नहीं? So what can I get you? Tell me. For you and anything else? Okay. कुछ help करो. पूछ क्यों रही हो? वहाँ इतने सारे marks पड़े हैं. Go clear them. To my little girl who wrote The Busy Bazaar. जिस रात तुम पैदा हुई थी बहुत जोर की बारिश हो रही थी. अप्पा और मैंने 15 घंटे इंतजार किया तुम्हें पहली बार देखने के लिए. हमने सोचा कि बेटी हुई तो उसका नाम अमाया रखेंगे. नाइट रेन. यू ब्रॉट अस सो मच जॉय एंड स्टिल डू. आई नेवर मेंट टू हर्ट यू अमाया एंड आई लव यू ऑलवेज. माँ. खुला है. हेलो माया. आते ओह माया. कम लेट मी लुक एट यू. कितनी प्यारी लग रही हो. आई मिस्ड यू. सो डिड आई. क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? I really wanted to see you. मालूम है. अच्छा बताओ तुम कैसी हो? Not okay. वो भी मुझे मालूम है. मैं बुरी नहीं हूँ आते. I'm not a bad person. तो सब ऐसा क्यों सोचते हैं? I feel like such a villain. Of course you're not a bad person, Amaya. दूसरे जो सोचते हैं उसे तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा? पहले नहीं पड़ता था. कितना फर्क पड़ रहा है. तुम जिस सिचुएशन में हो ना उसे डील करना आसान नहीं है. आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अब क्या फायदा माया? प्लीज टेल मी आते हैं. I really want to know. सच बताओ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करती. पार्टी जानती है? पार्टी? अम्मा तो शुरू से चाहती थी कि लीला दोबारा घर बसा ले. लीला ने अपनी जिंदगी के शायद सबसे अच्छे साल अकेले काटे हैं. तभी तो हम उसे और जयंत को साथ देकर बहुत खुश थे. Come on, Atte. अप्पा आपके भाई थे after all, I mean. वो रिश्ता कभी नहीं बदल सकता माया. पर पुराने रिश्तों की वजह से हम नए रिश्ते बनाना नहीं छोड़ देते. खैर अब कुछ नहीं बदलेगा. तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा. Happy? You're right.
जिस चीज के लिए मैं सबसे लड़ गई वो हो गया, पर मैं खुश नहीं हूं। वो क्यों? पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि अप्पा को तो मैंने खो ही दिया और अब माँ को भी। मैं जैन से मिलना चाहती हूँ। Why? हम दोनों ने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। पर ये भी तो हो सकता है कि फैसला गलत हो। अगर गलत है तो गलत ही सही। तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा भाई? हाय। प्लीज सर, आज हमारी किताब पब्लिश होने वाली है। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आपको कभी गुस्सा क्यों नहीं आता?
इतना अच्छा कैसे हो सकता है? पता है, अप्पा होते ना तो बहुत पहले मुझे दो थप्पड़ मार के मेरा दिमाग ठीक कर देते। आपके बिना ये किताब कभी पूरी नहीं होती। जैज़, सो आर यू गोना गिव मा रिंग? Very poor joke. Very poor. Horrible. Are? Hi. We to jaane wale the. Go to lot jao abhi. Kitna drama karte ho aap dono. Are, drama main karti hu. Okay. Don't tell me. What? The book. My God. Look at this. Dear Ma, thank you for always being the most important part of my life, even when I lost my way recently. Dear Leela, for memories that will last the rest of my life, affectionately, Jayant. Wow. किसी ने कहा था एक बार, जब तुम्हारी किताब छप कर आ जाएगी तो सेलिब्रेट करेंगे शैंपेन के साथ। मेमोरीज ऑफ द बिजी बाजार फाइनली। Hey, why didn't you get the book? Let's get a reading. For the time. This is the time to get it all in. Yeah. Photo. Let's have all your teeth in. Yes. Memories of the Busy Bazaar. Forward by Amaya Krishnamurti. No matter who you are, where you belong, and what language you speak, everyone at some time or the other has always said, I remember when. I remember the first time my father slapped me. I remember when he said to me, you'll be famous. And I remember the day my father died. मुझे याद है जब मैंने लिखना सीखा, मन ही मन एक कहानी भी लिख डाली। ये तो याद नहीं कि मैं कब कब रोई, पर वो पल नहीं भूल सकती जब मैं हंसी। वो हर चीज जो मेरे करीब थी मैंने अपनी यादों में संभाल ली। बाय मॉम। खुशी हुई, दर्द भी हुआ, पर वक्त के साथ उसने भी चुभना बंद कर दिया। गुरुजी, जैज, हेलो, आप यहां क्यों खड़े हो?
क्या हुआ? मुझे याद नहीं आ रहा मुझे जाना कहाँ है। What do you mean, कहाँ जाना है? यहाँ तो जाना है। मैंने कभी नहीं जाना कि मैं यादों से हूँ या यादें मुझसे हैं। पर यादों की नजर मैंने जिंदगी कर दी। मुझे याद नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना है। क्या याद नहीं आ रहा जैस? इधर तो जाना है। Are you okay? मुझे याद नहीं आ रहा आदिति, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना है। I can't remember. हर एक लम्हे को जिंदा रखा, अपनी यादों को दोहराया, उनसे बातें की, पर ये नहीं सोचा कि रेत की तरह यादें भी कभी हाथ में नहीं टिकती। पता था मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिंदगी के पल जीते जीते मैंने एक पल में ही शायद जिंदगी को पा लिया, और ये पल अब मेरी यादें भी मुझसे छीन नहीं सकती। Travel the world together. I hope he remembers. Amaya? I'm listening, Ma. मन की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। मन की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। खुला आसमां है नहीं मुड़ कोई, यहाँ पर हवा का नहीं छोर कोई। मैं उड़ता रहूं पंछियों की तरह से, उन्हें जान लूं आज उनकी जुबां से। बस्तियों से निकल कर हवा में जैसे बूंदे घटा बन के भागे। हाँ, मन की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे।
बसा लूं महकते से पल ये कहीं ढल न जाए महकते से पल ये इन्हें बंद कर लूं बना के निशानी बयां कल करे यही अपनी कहानी थकी रात की खिड़कियां खटखटा कर धीमी ओस से हर सुबह जैसे जागे मन की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे मन की पतंगों में सपनों के